बिस्मिल्लाह रहमान रहीम फॉर द लास्ट टेन टू ट्वेल्व लेक्चर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग हाउ सेंट्रल बैंक एक्शंस इफेक्ट मनी सप्लाई इन द इकॉनमी अब हमारा जो नेक्स्ट है इस सिलसिले में कि हम एक अनकन्वेंशनल वे में सेंट्रल बैंक एक पॉलिसी कंडक्ट करता है जो कि कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में होती है वो क्या है कैसे उसको कंडक्ट किया जाता है और उसके क्या इफेक्ट्स आते हैं ये हम मनी सप्लाई के टॉपिक में लास्ट इशू के तौर पे डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक है क्वांटिटेटिव ईजिंग तो हमारा इंटरेस्ट होगा कि क्वांटिटेटिव ईजिंग क्या है क्वांटिटेटिव ईजिंग कब यूज किया जाता है अगर ये एक पॉलिसी टूल है और इसके मनी सप्लाई पे क्या इफेक्ट्स होते हैं और जहां पे ये यूज किया गया उसके उस वक्त क्या इफेक्ट्स हुए तो सबसे पहले अगर मैं कहूं कि क्वांटिटेटिव इजिंग क्या है सो इट इज बेसिकली लार्ज स्केल एसेट्स परचेज बाय सेंट्रल बैंक जब सेंट्रल बैंक लार्ज स्केल में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एसेट्स परचेज करता है ताकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को नीचे लाया जा सके तो हम कहते हैं ये क्वांटिटेटिव ईजिंग है अब क्वांटिटेटिव ईजिंग कब कंडक्ट किया जाता है ये पॉलिसी टूल कब यूज किया जाता है तो एक बात क्लियर कर लें अपने जेन में कि ये कोई कन्वेंशनल या नॉर्मल टाइम का पॉलिसी टूल नहीं है ये एक अनकन्वेंशनल टूल है जो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन में यूज किया जाता है जैसा कि दुनिया में ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त यूज किया गया क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिविजिंग का टूल तो पॉइंट ये है कि वो क्या सिचुएशन है अगर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस भी था तो उसमें कौन सा इंडिकेटर हम लें कि जिसकी बेस पे हम ये कह सकें कि ये हो जाए इकोनॉमी में या मार्केट में तो उसके बाद हमें क्वांटिटेटिव ईजिंग को यूज करना है तो वो बेसिकली कंडीशन है जीरो लोअर बाउंड ऑन इंटरेस्ट रेट कि जब इंटरेस्ट रेट कम होते होते इतना कम हो जाए जो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट है कि ये तकरीबन जीरो पे पहुंच जाए तो फिर फर्दर वो जीरो से नीचे चुके नहीं जा सकता तो उसका एक लोअर बाउंड आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या किया जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग को कंडक्ट किया जाता है जिसके तहत लार्ज स्केल एसेट परचेज होते हैं ताकि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट को मिनिमाइज किया जा सके अब चूंकि हम ऑलरेडी एक बात पता है कि जब बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है यह हम एक लेक्चर में सीख चुके हैं तो जब लार्ज स्केल में एसेट परचेज होगा तो एसेट्स की प्राइसेस बढ़ेंगी तो इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा तो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के वक्त यह टूल स्पेशली जिसको हम एज एग्जाम्पल यूज करेंगे ये यूएस के सेंट्रल बैंक जिसे फेडरल रिजर्व या फेड कहते हैं तो फेड ने ये टूल यूज किया और किस क्वांटिटी में यूज किया कि इतने लार्ज स्केल में एसेट्स परचेज किए कि जो मॉनेटरी बेस थी वो 350 परसेंट से इंक्रीज हुई लेकिन जब उसके इफेक्ट देखते हैं हम कि मॉनेटरी बेस तो सेंट्रल बैंक की मनी है हमारा कंसर्न होता है कि मार्केट में उससे मनी कितनी इंक्रीज हुई तो अगर एम को देखें तो उस 350 परसेंट के मुकाबले में जस्ट 150 इंक्रीज हुई। इसका मतलब है कि से भी कम एक्सपेंशन मनी में हुई है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ऐसा कब होता है जब मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू इवन वन से भी लेस हो जाए अब सवाल आएगा कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू क्यों कम हो गई तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू उस वक्त यूएस में फिफ्टी से गिर गई क्यों गिर गई इसलिए कि एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज हो गई और हमें ये ऑलरेडी पता है मनी मल्टीप्लायर के फार्मूला से कि जब एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो इंक्रीज होता है तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि फिर एक्सेस रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो क्यों यूएस में इतने इंक्रीज हो गए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पीरियड में कि मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू इवन लेस देन वन हो गई तो रीजन क्या थी रीजन एक ये है कि फेड ने जो एक्सेस रिजर्व थे उसको रिम्यूमिरेट करना शुरू कर दिया यानी कि हमने पहले पढ़ा कि जो रिक्वायर्ड रिजर्व होते हैं वो तो सेंट्रल बैंक की तरफ से एक रिक्वायरमेंट होती है लेकिन जो एक्सेस रिजर्व होते हैं वो कमर्शियल बैंक की अपनी इंटेंशन के साथ अपनी विल पे रखे जाते हैं यह कमर्शियल बैंक का अपना डिसीजन होता है लेकिन इसके ऊपर रिटर्न नहीं मिलता था तो एक तो इस पर रिटर्न मिलना शुरू हो गया दूसरा जब रिजर्व होते हैं एक्सेस रिजर्व तो एक्सेस रिजर्व खत्म कैसे किए जाते हैं मार्केट में लेंडिंग करके तो चूंकि मार्केट में लेंडिंग जो लोन्स थे या फंड्स थे उनकी डिमांड इतनी कम हो गई कि कमर्शियल बैंक्स वर अनएबल टू लेंड तो नतीजा क्या हुआ कि वो लार्ज स्केल पे एक्सेस रिजर्व्स उनके होल्ड होते गए जिसका रिजल्ट फाइनली ये हुआ कि मल्टी मल्टीप्लायर की वैल्यू गिर गई और मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू गिरने से क्वांटिटेटिव ईजिंग में इतने एसेट्स परचेज करने के बाद और मॉनिट्री बेस को 350 परसेंट से इंक्रीज करने के बाद पीएम वन की जो मॉनिट्री एक्सपेंशन है वो जस्ट 150 परसेंट तक हो सके थैंक यू